सो हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस यार फाइनली मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सीरीज का एपिसोड 4। अभी गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो गाइस यार आज का वीडियो ना आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है। इसके पीछे रीजन ये कि इससे पहले मैं जो भी वीडियोस को बनाता था उसमें मैं वॉइस ओवर करता था, मतलब मैं पहले वीडियोस को रिकॉर्ड करता था एंड फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर करता था। बट गाइस आज से मैं कोशिश करूंगा वीडियोस पे लाइव कमेंट्री करने की। एंड इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये कि लाइव कमेंट्री करने पे वीडियो एडिट करते वक्त अपने को ऑब्वियसली काफी कम टाइम लगेगा, तो मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा वीडियोस को बना पाऊंगा एंड शायद से वीडियो क्वालिटीज भी थोड़ी इंप्रूव होगी। तो जो भी यार देखते हैं कि लाइव कमेंट्री कैसा रहता है। बाय द वे गाइस अगर आप लोगों को वीडियो के अंदर कुछ भी गलती दिखे तो मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना ताकि मैं उन गलतियों को नेक्स्ट वीडियो पे इंप्रूव कर सकूं। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बतानी थी। तो वापस आते हैं अपने गेम प्ले में। तो यहां पे अपना केव बायोम अभी खत्म हो चुका है एंड शायद से अभी अल्पाइन बायोम, मतलब वो जो अपना माउंटेन रीजन है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। तो यहां से गाइस फिलहाल के लिए मुझे काफी सारे स्नो मिल रहे हैं एंड स्नो कलेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा शॉवल। तो यहां पर मैंने एक स्टोन शॉवल बना लिया है। अभी अपने पास इतने आयरन तो है नहीं कि हम उसको शॉवल पे वेस्ट करें, तो फिलहाल के लिए हमें स्टोन शॉवल से ही काम चलाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे मैं बस माइनिंग कर ही रहा था एंड अचानक यहाँ से मुझे एक पोलर बेयर मिल चुका है। अब यार इस पोलर बेयर को देखते ही अपने को काफी कमाल का एक आइडिया है। बेसिकली गाइस ये जगह ना इस पोलर बेयर के लिए बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है। तो हमने इस पोलर बेयर के रहने के लिए एक स्नो आइलैंड बनाने वाले हैं जहाँ पे ये पोलर बेयर बिल्कुल शांति से रह सकता है। लेकिन यार सबसे पहले तो हमें इस पोलर बेयर को यहाँ से निकलना पड़ेगा, मतलब यार मुझे इसको देख के डर लग रहा है। लिटरली बंदा सामने के दो पैर में बैलेंस कर रहा है, तो पता नहीं यार इतना बड़ा पोलर बेयर सिर्फ एक ब्लॉक के गैप से आ पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फेंस तोड़ने जाऊंगा तो पक्का ये बियर यहाँ से गिरे जाएगा। अरे भाई मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म के एंड तक आ गया एंड बियर वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे फाइनली, तो भाई फाइनली अपना बियर यहाँ से निकल चुका है एंड अभी अपना पोलर बियर बिल्कुल सेफ है। वैसे मुझे नहीं लगता ये सेफ है, जिस तरह से ये चल रहा है कि ये सचमुच प्लेटफॉर्म से गिर ना जाए। तो अगेन से यहाँ पर रात हो चुकी है और रात होने के साथ ही साथ सभी तरह के मॉब्स भी स्पॉन हो रहे हैं एंड मैंने अभी इन मॉब से बिल्कुल भी फाइट नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी अपने पास कुछ भी आर्मर वगैरह है ही नहीं। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट सभी जगह पे टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि हम इन मॉब से थोड़ा बहुत सेफ रहे। तो अभी यार अपना प्लेटफॉर्म पूरी तरह से रोशन हो चुका है, अभी सिर्फ एक ही जगह से मॉब स्पॉन हो सकते हैं एंड वो है अपना इन्फिनिटी ब्लॉक। तो इसीलिए गाइस मैं इस इन्फिनिटी ब्लॉक के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ ताकि अगर यहाँ पे मॉब स्पॉन भी हो जाती है तो भी वो अपने को डैमेज ना कर सके। वैसे यार इस स्ट्रक्चर का आइडिया भी मुझे आप ही लोगों के कमेंट से मिले थे। तो किसी ने मुझे कमेंट में बताया था कि हमें इन्फिनिटी ब्लॉक के एक ब्लॉक ऊपर ट्रैप डोर्स लगा देने चाहिए जिससे कि अगर मॉब वहाँ पे स्पॉन भी हो जाए तो भी वो अपने को देख नहीं पाएंगे एंड हमें डैमेज नहीं करेंगे। तो बिल्कुल यही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को चार ट्रैप डोर्स बनाने पड़ेंगे। अभी हमें इन्फिनिटी ब्लॉक के ठीक ऊपर दो ब्लॉक्स को प्लेस करने हैं। वैसे गाइस अभी ना हमें इन फेंस की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ से ना फिलहाल फेंस को हटा देते हैं। तो अभी हमें इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक को प्लेस करना है एंड इसके चारों तरफ से ट्रैप डोर्स लगा देने हैं। इसके बाद यार हमें बीच में से इन ब्लॉक्स को तोड़ देने हैं एंड फिर ट्रैप डोर को बंद कर देना है। सो दैट्स इट। अभी अगर बीच में कोई क्रीपर वगैरह स्पॉन भी हो जाता है तो भी वो फटेगा नहीं। तो चलो यार फिर से यहाँ पे कुछ देर माइनिंग करते हैं क्योंकि अपना जो स्नो आइलैंड है उसको बनाने के लिए अपने को काफी सारे डर्ट्स चाहिए होंगे। तो अभी ना गाइस हम लोग अल्पाइन बायोम पे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रे स्पॉन हो रहे हैं एंड देखो भाई सच में ये बंदे अपने को देख ही नहीं पा रहा है। तो इतने टाइम तक गाइस ये मॉब्स हमें मजे लेके मारते थे लेकिन आज यार हम इन मॉब्स को मजे लेके मारेंगे एंड ये बंदा हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। अरे भाई ये बंदा हमें अंदर से ही मार रहा है। तो अगर हम इसको मारते हैं तो नॉक बैक की वजह से बंदा थोड़ा जंप कर रहा है एंड उसी टाइम पे ये बंदा हमें देख पा रहा है। तो सही में यार बंदे का निशाना काफी अच्छा है, बट अभी हम लोग इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने वाले हैं ताकि यहाँ पे कोई भी मॉब जंप ही ना कर पाए। वैसे स्ट्रे ने हमें कुछ इफेक्ट दे दिया है तो स्लोनेस का इफेक्ट है, तो 20 सेकंड तक गाइस हम थोड़े स्लो बन चुके हैं। तो यहाँ पे हमें स्ट्रैप डोर के ठीक ऊपर एक ब्लॉक को प्लेस कर देना है एंड इससे आई होप कोई भी मॉब अंदर जंप नहीं कर पाएगा। तो वापस एक नमूना यहाँ पे स्पॉन हो चुका है, अभी लेट्स सी कि भाई ये बंदा अपने को जंप करके मार सकता है कि नहीं। वैसे गाइस इसके पास गोल्ड के आर्मर्स हैं, तो अगर ये अपने को आर्मर्स दे देता है तो काफी अच्छी बात है, बट हमेशा की तरह यार इसने कुछ दिया नहीं है। अरे नहीं बंदे ने कुछ तो दिया है। तो यहाँ पे अपने को एक एंचेंटेड बो मिला है एंड भाई साहब बो पे इन्फिनिटी वन का एंचेंटमेंट है। सही में गाइस हमें सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर इन्फिनिटी एंचेंटमेंट को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी एंड यहाँ पे देखो गाइस हमें कितनी इजीली मिल गई। तो ऑल थैंक्स टू स्ट्रे जो कि फिलहाल अभी मर चुका है, बट कोई बात नहीं, बट उसने हमें इन्फिनिटी
इंफिनिटी का वो दिया था, तो हम उसे काफी दिनों तक याद जरूर रखेंगे। तो अभी यार अपने को थोड़े बहुत डर्ट्स मिल चुके हैं, तो चलो अपने स्नो आइलैंड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे अपने को काफी लंबा सा ब्रिज बनाना है, एंड फिर इस ब्रिज के दोनों ही तरफ हम अलग अलग आइलैंड्स को बनाएंगे। तो ब्रिज तो अपना बन चुका है, बट इसको बनाने के चक्कर में मैं लिटरली दो बार गिरने ही वाला था, तो मुझे यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। अगर मैं यहाँ पे गलती से भी गिर जाता हूँ ना, तो अपना सारा सामान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना प्लेटफॉर्म बनने वाला है। वैसे मैं ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अपने पास ज्यादा डर्ट्स नहीं है, एंड जितने अभी मेरे पास है इससे भी कुछ हो नहीं पाएगा, तो अपने को जाके थोड़ी और माइनिंग तो करनी पड़ेगी। तो अपना प्लेटफॉर्म तो रेडी हो चुका है, अभी मुझे सबसे पहले एक शेयर बनाना पड़ेगा, एंड उसके लिए जरूरत पड़ेगी आयरन की। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ आयरन स्मेल्ट कर लेता हूँ, एंड अभी हमें स्नो गोलेम बनाने के लिए चाहिए होंगे कुछ स्नो ब्लॉक। तो शायद से स्नो गोलेम को बनाने के लिए अपने को दो स्नो ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, तो ये हो चुका है। एंड इसके बाद यार हमें चाहिए एक कार्व्ड पम्पकिन। तो चलो यार अभी फटाफट चल के स्नो गोलेम को स्पॉन करते हैं। वैसे गाइस यहाँ से मैंने स्टेयर्स को हटा दिए हैं, स्लैब से ही भाई ये दिखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो स्नो गोलेम को स्पॉन करने के लिए गाइस यहाँ पे हमें दो स्नो ब्लॉक को प्लेस करने हैं, एंड फिर जैसे इसके ऊपर हम लोग एक कर्व पम्पकिन को रखेंगे, अपना स्नो गोलेम स्पॉन हो जाना चाहिए। अभी गाइस ये स्नो गोलेम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर घूमेगा, एंड ये पूरा जगह स्नो से कवर हो जाएगा, तो भाई पूरा व्हाइट प्लेटफॉर्म देखने में तो काफी अच्छा लगेगा। वैसे एक स्नो गोलेम से शायद काफी टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे ना मैं एक और स्नो गोलेम को स्पॉन करने वाला हूँ। तो सारा काम हो चुका है गाइस, अभी हमें बस इस पोलर बेयर को प्लेटफॉर्म तक लेके जाना है, एंड मुझे पता है ये काम सबसे डिफिकल्ट होने वाला है। तो चलो यार अभी अपने को ज्यादा परेशान मत करना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म से गिरना तो बिल्कुल नहीं। अरे भाई देखो ये कहाँ पे चढ़ चुका है, अरे यार ये पक्का यहाँ से गिरने वाला है। ओ भाई इसको हम लोग किसी तरह से यहाँ तक लेके आ चुके हैं, अभी फाइनली अपना बियर पूरी तरह से सेफ है। अभी हमें बस यहाँ पे कुछ टॉर्चेस लगा देने हैं, ताकि मॉब्स आके इन्हें परेशान ना करे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप कि गाइस आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।